कांवड़ यात्रा पर रोक लगने से सैकड़ों परिवारों पर रोजी रोटी का संकट आ गया है। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में कई परिवारों ने कर्ज लेकर कांवड़ तैयार की, लेकिन इस बार उनकी कांवड़ के खरीदार नहीं होंगे। हर साल लाते थे ये सावन के लिए, लोन पर पैसा उठाया था। इस बार भी बांस वांस लाए थे, चिराई भी कराई हमने, काम चालू भी कर दिया स्टार्ट हमने। अब ऊपर से हमारा ऑर्डर आ गया कि माल नहीं बनाना, तो हमारा माल बीच में रुका पड़ा रह गया। अब हम बच्चे पाल रहे हैं, अपना भुगतान करें बच्चों का। जो लोन पर पैसा उठा रखा, अब लोन वाले थोड़ा ही ना मानते हैं, वो तो लोन मांग रहे हैं अपना, कह रहे हैं हमारे लोन के पैसे वापसी करो भैया, हमारा तो पैसा चाह रहा हमें तो। अच्छा हो जाता था हमारा, फिर भी थोड़ा बहुत अपना जो लग लिपट का काम कर लेते थे, घर में लेबर भी कर लेती थी, जो भाग का होता था मिल ही जाता था। मगर इस बार तो कुछ भी नहीं है, इस बार तो जो हमारा पैसा लगा हुआ वो भी मट्टी हो गया। सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा को इस बार सरकार की ओर से रद्द कर दिया गया है। कोरोना महामारी के चलते सरकार ने ये निर्णय लिया। हर साल कांवड़ यात्रा से कुछ महीने पहले हरिद्वार के ज्वालापुर में रहने वाले कई परिवार कांवड़ और कांवड़ यात्रा से जुड़ी चीज़ें बनाने में जुट जाते हैं। इनमें से कई परिवार कर्ज पर रकम लेकर सामान खरीदते हैं और कांवड़ तैयार कर बेचते हैं। शिवराजी निमरते सामान ले गए, हमें नहीं पता था कि लॉकडाउन लग जाएगा। हमने माल तैयार करा, जिससे किस तरह ब्याज हमने पैसा उठाया, घर वाले की चीज़ें भी रखी गिरवी। अब स्थिति आ गई, मतलब रोड पाने की स्थिति आ गई, बस भीख मांगनी आ गई स्थिति हमारी। बस क्या चीज लेके आए थे आप? अब हम बांस लेके आए थे जी, बांस कपड़ा जो सामग्री सामान है उसका सब लेके आया सामान। मतलब किसका क्या काम होता था? मतलब इसके कावड़ बनती थी जी। जी कावड़ बनती थी, तो बाद में पता लगा कि भाई यहाँ पे ये कावड़ नहीं बनेगी, घर पर पुलिस वाला है यहाँ से, क्या भाई अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हारे लिए सख्त सख्त कार्रवाई करी जाएगी तुम्हारे लिए, अब ऐसा काम करोगे तो हमने ये काम यही रोक दिया। तो स्थिति ऐसी आ गई, अपने घर में एक पंडन डाल सकते 500,000 रुपए का। इन कारीगरों के परिवार के सामने अब रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। कावड़ मेला चलता था, हमने माल बनाया है ब्याज पे पैसा लेके, वो मेला नहीं चल रहा है, सारा माल ऐसे ही पड़ा हुआ है हमारा। तब कावड़ मेला नहीं चल रहा है, सरकार अच्छे अच्छे लोगों की मदद कर रही है, हम लोग गरीब हैं, हमारी कौन सहायता करेगा। कितना माल आपके घर में करीबन ऐसा कावड़ का पड़ा हुआ? काफी बहुत माल पड़ा हुआ है, मैं तो लाखों का नुकसान हो गया है ना। ये सब तैयार करे हुए? हाँ जी, ये सब हमारे तैयार किए हुए हैं, बाकी माल और भी पड़ा है जो बिना तैयार का है, अब कैसे करेंगे हम लोग। इस दौर में अलग अलग वर्ग के साथ भिन्न भिन्न चुनौतियों ने लोगों के जीवन व आर्थिकी को हिला कर रख दिया है। ऐसे में सरकार को इन लोगों की भी कुछ सुध लेनी चाहिए और इनकी आर्थिक सहायता करनी चाहिए। न्यूज़ स्टूडियो के लिए हरिद्वार से सुमित यश कल्याण की रिपोर्ट।